फूलने लगा देख लो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसआर ब्लॉग विद काजल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो पे। तो आप लोगों को जैसे कि पिछले वीडियो में पता चली गई होगी, हम उज्जैन पहुंच गए हैं और रूम भी ले चुके हैं हम लोग। और अभी जस्ट एकदम हड़बड़ी में नहा के एकदम निकले हैं, एकदम बहुत स्पीड में नहा के निकली हूँ मैं। और नहा के निकलने के बाद बहुत अच्छा लगा, दो दिन बाद नहाए नहीं थे। और इधर मेरी मम्मी रेडी हो रही है। आज हम लोग सोचे हैं थोड़ा सा वाइट कॉम्बिनेशन करें, सबको वाइट पहने ऐसा करके सोचे हैं। तो देखते हैं कितना धूप कितना पॉसिबल हो पाता है। तो हम अब जल्दी से रेडी होंगे, हम लोग को जाना है पूजा करने के लिए भी अभी। तो हम लोग सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाया। तो अभी हम लोग जाएंगे पूजा करेंगे, पूजा करते हैं वहाँ का सारा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सबको जय महाकाल, क्या बोल दीजिए इधर एक बार, कैसी लग रही मेरी मम्मी, जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। और ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। ये ब्लॉग जो मिस करेगा उसके लिए तो फिर क्या ही बोले, ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला। तो आप लोग एकदम बने रहिए ब्लॉग में, हाँ भगवान जी का दर्शन करवाते हैं। अगर मेरे को फोन वहां तक ले जाने को मिला तो, हम क्या बोलते हैं वीडियो पूरा बनाएंगे। और अगर नहीं मिला तो फिर मैं ट्राई करती हूँ, ट्राई माई बेस्ट। और मैं आप लोगों के लिए तो कुछ भी कर ही सकती हूँ यार, और आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर ही सकते हैं। लाइक कमेंट कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस इतना करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सबसे शेयर करना, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं, फिर निकल के आप मुझे मिलते हैं। और आप लोगों को एक बार रूम का झलक दिखा देते हैं। ये है रूम, देख सकते हैं इधर कैसे है, रूम है। तो हो चुके हैं रेडी, और ये रहा आज का मेरा लुक। हम आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं कि कैसे लग रहे हैं। ये है मेरा लुक, सिंपल व्हाइट कलर का सूट वेयर किया, मेरी मम्मी भी व्हाइट पहनी है, सबको व्हाइट पहन रहे हैं हम लोग, हम मेरी मम्मी मेरे पापा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हम कैसे लग रहे हैं, कैसा लग रहा है। हो जाएगा। Hey guys, तो हम लोग हैं अभी उज्जैन में, महाकाल का दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे सब ले चुके हैं और देख सकते हैं पीछे बहुत भीड़ भी है, देख सकते हैं बहुत ज्यादा। तो चलिए अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं हम सब कुछ। लगा है अंदर जाने से पहले टीका यहाँ पे महाकाल वाला। तो चलिए अंदर जाके आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं, पीछे मंदिर दिख रहा होगा कितना भीड़ है। ओम से शिव को याद करो, नमः से शिव का ध्यान धरो, शिवाय असुर संहार करे। हे भक्तों के पालनहार, हे भक्तों के पालनहार, भक्तों की प्रभु करो सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दर्शन हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और शाम में फिर आएंगे भस्म आरती के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत मतलब टीवी में दिखाया जा रहा है, बहुत दूर से दर्शन किया जा रहा है सामने से। तो हम लोग का दर्शन हो गया, प्रसादी ले लिए हैं और अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़, हम लोग यहाँ पे VIP वे से मतलब जल अभिषेक करने के लिए अंदर जा रहे हैं। पंडित जी से पैसा ले, ज़्यादा पैसा दे के हम मम्मी पापा और मेरे चाचा हम लोग VIP वे से जा रहे हैं अंदर जल अभिषेक करने के लिए। तो देखते हैं कितना दूर क्या होता है। उसका क्या नाम है ये कुंड का? कोटी देवता कुंड। ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम से शिव को याद करो, नमः से शिव का ध्यान धरो, शिवाय असुर संहार करे। हे भक्तों के पालन हारे, जो भी शरण में शिव तेरी आए, पालन हारे उसकी विपदा भक्तों की हो जाए। ओ सहाय नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय। जो भी शरण शिव तेरी आए, उसकी विपदा दूर हो जाए। ओम नमो नम नमः शिवाय, ओम नमो नम नमः शिवाय, जो भी शरण में शिव तेरी आए, उसकी विपदा दूर हो जाए। शिव गंगा ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वे में पूजा पाठ सब कुछ में बहुत अच्छा से बैठा के पूजा भी किया गया और हम लोग का स्पेशल प्रसादी भी मिला भगवान जी को चढ़ाया हुआ, स्पेशल आरती भी की है, स्पेशल वहाँ से चढ़ाया हुआ माला भी लाया गया हम लोग के लिए, वहाँ से चढ़ाया हुआ सिंदूर भी, वहाँ जल भी चढ़ाया, वहाँ का जल पिए भी हम लोग, जो कि VIP वे में बहुत अच्छा वे हुआ। हम आप लोगों ने दिखाया पंडित जी कैसे लेके गया, सब कुछ किए, सारा चीज़ बहुत अच्छे तरह से हुआ। हम बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, कितना अच्छा तरह से मेरा पूजा कम्प्लीट हुआ। पंडित जी बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंसान, बहुत ही अच्छे थे और हम लोग को बहुत कॉपरेट भी किए हम लोग के साथ, सब कुछ अच्छा से रहा एंड वो मेरे को कुछ बोले भी सब कुछ। पंडित जी हम लोग का दर्शन करवाए अच्छे तरह से, सब कुछ पूरा पूजा करवाया है, जल अभिषेक करवाए, सब कुछ प्रसादी भी दिए, बहुत अच्छे से इनसे मिलिए, इनसे कुछ सुनते हैं हम लोग, तो बोलिए। ओम 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 स्वाहा, ओम भूर्भ स्वाहा, ओम ब्रह्मांडकारी शरीरा उदतो सर्वे ग्रह शांतिकर बंधु महाकाल सुखायन मन वाचा पदस्तु राजद्वारे विजय रस्ते सर्वकार्य सिद्धरस्तु। खूब अच्छा चले भगवान महाकाल की जय, खूब आगे बढ़ते जाओ बेटा, और जैन का मजन नित्य पक्का पक्का। थैंक यू।
दान मेट कर दो अपना। हेलो उनका सब कुछ कंप्लीट हो गया। हर एक मंदिर दर्शन करना बहुत अच्छी तरह से हो गया है। देखिए पंडा पीछे, देखिए मंदिर बैकग्राउंड, हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं, फोटो खिंचवाए हैं, अच्छा लग रहा बहुत। जो जो नहीं आया प्लीज विजिट कीजिए एक बार। क्या बोलना चाहेंगे? ऐद गया है क्या बोलना? जय महाकाल, जय महाकाल। बाहर निकल रहे हैं फाइनली, सब कुछ फोटो वोटो की जाना सब हो गया है, देख सकते हैं। तो हम अभी उज्जैन महाकाल का, तो ब्लू ब्लू क्यों गया, तो उज्जैन महाकाल का दर्शन करके आके जस्ट ड्रेस चेंज किए थे और फिर नीचे से कॉल आता है कि अभी हम लोग काल भैरव जा रहे हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें, मतलब एक ही ब्लॉग में सब बना है, फिर शाम में भस्मारती के लिए भी जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखते हैं, बहुत अगर लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। माँ शाम को तो फिर भस्मारती के लिए भी जाना है, फिर अभी काल भैरव जा रहे हैं, तो सब तीनों का एक ही में ब्लॉग बनाएंगे कि अलग अलग बनाएंगे? नहीं, रात वाला अलग बनाएंगे, रात वाला अलग बनाएंगे। तो चलिए गाइस, अब मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। हम अभी काल भैरव जा रहे हैं, काल भैरव और उज्जैन महाकाल का एक वीडियो रहेगा और हम रात का भस्मारती अलग से बनाएंगे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, देख सकते हैं पूरी तरह से मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चलता है दारू, और देखिए दारू, और ये रहा फूल, ये मंदिर है काल भैरव का मंदिर, यहाँ पे दारू चढ़ता है। हम लोग काल भैरव मंदिर में एंटर कर चुके हैं और ये रहा यहाँ पे बिस्की चढ़ाया जाता है और फूल, और क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चढ़ाया जाता और प्रसादी सबको दिया भी जाता है। तो चलिए पहुँच गया है, सब टाइप दीप जल है, चुका है पूजा कंप्लीट। और ये जो पीछे ब्लैक कलर का दिया का पूरा लाइन दिख रहा है, यहाँ पे पूरा सब दिया में लाइन दिया जलता है रात में, थोड़ा देर बाद। अभी हम लोग का पूजा हो गया, सब कुछ हो गया है। हम लोग अभी आए घूम के, रात का डिनर करके और सब कुछ कर करके अभी आए हैं, और अभी अपना रूम में आराम कर रहे हैं। अब जा रहे हैं सोने के लिए थोड़ा सा, आधा घंटा जैसा, क्योंकि अभी बज रहा 11:30 और हम लोग को 12:30 बजे तक भस्म आरती के लिए निकलना है उस मंदिर में। तो उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, सोचे अलग से सुबह उठ के, तो कैसे कैसे हम लोग जा रहे हैं सारा चीज़ का एक ब्लॉग बनाएंगे, हम ऐसा सोचे हैं, तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम लोग खाना खा के आए हैं और अभी सो रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा है कि खाना बहुत टेस्टी है, एकदम सादा खाना, एकदम शाकाहारी खाना, एकदम हल्का फतला में एकदम खाना बहुत, मतलब हम रबर बैंड लिए हैं, अच्छा लग रहा। तो यही सब है। और तो क्या उठा बताइए वो, तो हम सोच रहे क्या मिला था, मिला नहीं था वो पंडित जी के बारे में बताया, पूजा किए
को पंडित जी, तो हम लोग का बहुत अच्छा तरह से जल अभिषेक वगैरह सब कुछ कर दिए, सब कुछ बहुत अच्छा से बैठा कर पूजा भी की है, बहुत अच्छा से हम बहुत अच्छा से पूजा हुआ, बहुत सामने से दर्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ। अपन क्लिप में साथ थोड़ा बहुत हम लिए हैं, थोड़ा सा लिए हैं, कैसे कैसे क्या हुआ, हम लोग का जल अभिषेक कैसे कैसे किया गया सारा चीज। तो यही आज का दिन रहा सुबह से लेके अभी शाम तक, तो आज का हम अपनों के साथ सब कुछ शेयर किए हैं। उज्जैन का मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, और फिर वहाँ का काल भैरव, वहाँ पे दारू चढ़ता है, वो भी हम आप लोगों को दिखाया है। तो प्लीज़ उससे कोई गलत कमेंट नहीं कीजिएगा कि दारू पकड़ के वीडियो बना रही है या कुछ भी, क्योंकि यहाँ का ये रिचुअल्स है जो मतलब चल रहा है तो बरसों से, तो वो तो चल ही रहा है, तो इसीलिए वो हम लोग किए हैं। सबको चढ़ाता भी, और इवन वहाँ का प्रसादी सब कोई खाता पीता है, मतलब है ना, सबको वो प्रसादी पीता भी है, मतलब पीना मतलब इन द सेंस, अब ये नहीं कि एकदम ग्लास में भर के पैक मार रहा पूरा, वैसा ही प्रसादी जैसे हम लोग चरणामृत का दो तीन बूंद जैसे पीते हैं ना, उस तरह का होता है। तो यही सब रहा आज का दिन। और हम आज सांप देखे, हम लोग जब जा रहे थे काल भैरव तो सांप देखे, हमने उसका भी क्लिप लिया, आप लोग अगर वीडियो में देख ही लिए होंगे तो वो सांप भी देखे, काल सांप था मस्त, मतलब सोमवार, और ऊपर से आज सोमवार है, सोमवार को मतलब शिव जी का दर्शन होना, फिर जल अभिषेक करना, फिर इतना अच्छा पंडित जी से मिलना, फिर काल भैरव में जाना, फिर वो सांप का मिलना, बहुत अच्छा से सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा से हुआ है ना, सोमवार का दिन ऊपर से इतना अच्छा दिन में हुआ है, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा सुबह से लेके अभी तक का। तो हम और ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग तो हम ही को दिक्कत होगा, और आप लोग भी सुन सुन के बोर हो जाएंगे इसीलिए। और ये मेरा ड्रेस है, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। तो अब थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, सुबह से थक गए हैं, आए हैं यहाँ हम लोग 10 बजे और अभी बज रहा है 11 बजे, 10 बजे से 11 बजे इधर उधर ही हुए हैं, है ना, एक बार भी आराम नहीं किए थोड़ा भी। एक वहाँ से पूजा करके आए, उज्जैन से आया, सोए, ड्रेस चेंज कर, उतना में कॉल आ गया कि नहीं आज ही जाना है काल भैरव। तो मेरा हाथ भी दर्द हो जा रहा कैमरा पकड़ पकड़ के। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबको शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं भस्म आरती वाला ब्लॉग में, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।